मोदी 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 ये इंडिया की जीत हुई है और एनडीए की हार हुई है। नफरत फैलाने वालों की हार हुई है। देश का संविधान जीता है, देश का लोकतंत्र जीता है और इसे बोलते हैं मैंडेट। इसे जुड़ते हाथों और साथ चलते कदमों को इसने देखा है। कितने टूटे दिलों को पहली बार एक प्यार भरे एहसास ने छुआ है। कितनी सूनी आंखों को किसी ने एक नया सपना दिखाया है। लड़खड़ाकर गिरे अगर तो कई हाथों ने मिलकर संभाला है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता
11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है, भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है। और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो
अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम, और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे, और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने
पूरी धन्यवाद करना चाहता हूं और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में उन्होंने भी हमारा साथ दिया, इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया, आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है, हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे, हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहाँ जहाँ हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया, इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, वो आपको संबोधित करें। नहीं खड़गे जी, आपने बड़ी सही बात बोली, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है।
कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड वी डू नॉट वॉन्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह टू बी इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ दिस कंट्री। वी डू नॉट लाइक द वे दे हैव रन दिस कंट्री। वी डू नॉट अप्रिशिएट द वे दे हैव अटैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वी डू नॉट अप्रिशिएट द वे दे हैव रन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 10 years। सो दैट इज ए ह्यूज मैसेज टू मिस्टर नरेंद्र मोदी। आई'ड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द पीपल हु हैव रेजिस्टेड दिस ऑनस्लॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट खड़गे जी और राहुल जी आपका 4-5 सवाल लेंगे। संजीव, हाँ जी, एक मिनट, एक एक करके चिल्लाइएगा मत, प्लीज चिल्लाइएगा मत। हाँ संजीव। राहुल जी, although the NDA has emerged as, you know, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners,
एंड वी आर नॉट गोइंग टू मेक स्टेटमेंट्स इन द प्रेस विदाउट आस्किंग देम देयर ओपिनियन. हां जी सर. सर आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर्स एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो. कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा. बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे. सर खरगे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे. सारे स्ट्रेटजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे. इसलिए हाँ जयराम जी राहुल जी, खरगे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है, विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई. आप कौन सी सीट रखने वाले? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं. अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा. दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है. राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, काफी बीच में उतार चढ़ाव आए, अब 100 का आंकड़ा आपने छुआ है. 2009 में जब इसी तरह का मैंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो राय थी, एक हम विपक्ष में रहें पार्टी मजबूत करें या सरकार के साथ जाएं. आप सरकार के 2009 में 2009 में हाँ नहीं 2009 में तो क्या बात नहीं नहीं 2009 में दोबारा जब बहुमत मिला था तब एक राय थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें. ऐसी कोई राय नहीं थी आपकी. अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. अब मैं पूछ रहा हूँ, अब आपसे पूछ रहा हूँ. दो चीज है. ये जो मैंडेट मिला है आप अपोजिशन में रह के आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं या सरकार बनाना चाहते हैं, आप चाहते क्या है? नहीं देखिए हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है. कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है. हमने भैया शांत हो जाए, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे. तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा. राहुल जी, अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा. नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने कहा था. नहीं देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है. मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है.
शायद बीजेपी के लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज़ नेशन से। सर कहते हैं आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ। देखिए यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, आपसे ज़्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने, कमाल करके दिखा दिया। नहीं नहीं बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आखिरी सवाल, और इसमें यूपी में एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है जो यहां पीछे छुपी हुई है। राहुल जी शुक्रिया, साथियों शुक्रिया, हो गया। सर राहुल जी का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था, तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था, 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था, फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी
अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं बहनों बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है, देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार